सतना जिले के मेहर में 8 दिसंबर को 6 सूत्रीय मांगों और जन समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस की मेहर प्रभारी डॉक्टर रश्मि सिंह पटेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामनिवास और मलिया ने बताया कि धरना प्रदर्शन के संबंध में रणनीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मेयर को जिला बनने से रोक दिया गया, लिहाजा एक बार फिर मेयर के लोगों की ज्वलंत समस्याओं की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा। छह सूत्री मांग है हमारी। पहला तो है कि मैहर को जिला बनाया जाए। आप सब लोगों को मालूम है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, सम्माननीय कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मैहर को जिला बना दिया था। फिर जब भाजपा की सरकार आई, षड्यंत्र करके कांग्रेस की सरकार को उन्होंने गिरा दिया। भाजपा की सरकार आई तो पुनः कैबिनेट स्तर से मैहर को जिला को कैंसिल कर दिया गया और हमारे मैहर के साथ पुनः छल किया गया शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। दूसरा मुद्दा है हमारा मैहर सीमेंट, तीन तीन सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट हब है मैहर। इसके बाद भी हमारे क्षेत्र का बेरोजगार युवा भाग रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है। तीसरा मुद्दा है हमारे बंसीपुर के जंगल में 400-500 रोज है, जो हमारे क्षेत्र के 30-35 गांव ऐसे हैं जिनका खेती का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।